तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं बिना ग्रीन स्क्रीन के और बिना ब्लू स्क्रीन के। तो आज मैं अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड आपके सामने बदल के दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड बदलने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सआर्ट। उसको आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपको उसको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना और एडिट ए फोटो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और आपको जिस फोटो को एडिट करना है उस पर आप क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर कट आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको अब क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर पर्सन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। और थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर ऊपर टिक का निशान पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ पर फोटो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब आपको इसका बैकग्राउंड बदलने के लिए फिट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इमेज प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर किसी भी इमेज को प्लस कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड ओपन हो जाएंगे। आप इनमें से किसी एक जिस भी बैकग्राउंड को अपनी फ़ोटो के पीछे लगाना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्लू इंटो वाला यहाँ पर बैकग्राउंड ले लिया है, तो ये मेरी फ़ोटो के पीछे यहाँ पर देखिए लग चुका है। अब आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग सी करनी है, आपको इसको थोड़ा ब्लर कर देना है। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा ब्लर कर लिया है, आपको भी कुछ इसी प्रकार इसको थोड़ा ब्लर कर लेना है, और यहाँ पर ऊपर टिक पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब आपको अपनी फ़ोटो का थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ब्राइटनेस कम ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको टूल्स पर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है टूल्स पर। जैसे आप टूल्स पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है, और इसकी अमाउंट को आपको जितना आप रखना चाहते हैं उस प्रकार आप इसको रख सकते हैं। मैं इसके एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। आप जितना चाहते हैं उतना इन सब के एडजस्टमेंट को आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको जितना आप चाहते हैं इन सब के आप एडजस्टमेंट करने के बाद आगे के प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने के बाद ऊपर टिक पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये फ़ोटो आपकी ऑटोमेटिक गैलरी में सेव हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ोटो कैसी बन के रेडी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो कुछ ऐसी बन गई है।